यो गाइस, मैंने अपने लिए एक नई चीज़ ली है, वो है ये। सो यो गाइस, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग पे। और इस ब्लॉग में हम आज डिस्कस करेंगे एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में। जानते हैं कौन सा प्रोडक्ट? ये एक गोप्रो टाइप है, SG कैम ब्रांड नाम है इसका। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या मतलब इसके स्पेसिफिकेशन, हाउ टू यूज़ इट। सो इस वीडियो में हम आज यही करेंगे और इसको एंड तक देखिएगा पूरे समझने के लिए, पूरे इस वीडियो को मतलब आपको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में, और इसका अनबॉक्सिंग भी हम करेंगे अभी जस्ट। सो देखते रहिए और एंजॉय करिए वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, ये है वो कैमरा, SG कैम प्रो एक्शन कैम 2.33 टच स्क्रीन। इसकी जो टच स्क्रीन है ये टच वाला है, और 4K 60fps पे शूट करता है ये। और SG कैम है ये, और ये वाईफाई बिल्ट इन है। और गाइस, ये आज के डेट में GoPro से कंपेयर कर रहा है, मींस कंपटीशन है ये GoPro का। और ये जो GoPro का हाफ प्राइस पे ये आपको मतलब मिल जाएगा, आप परचेज़ कर लीजिए। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है ये, और ये मुझे अराउंड मतलब 15,000 का मिला है। मैंने कैश ऑनलाइन डिलीवरी पॉसिबल है, ये मैंने उसी से किया है अमेज़ॉन से। तो अच्छा कैमरा है, और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं पहले इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। ये इंक्लूड है गाइस, ये किट में सब होगा, ये सब एसेसरीज़ हैं, मैनुअली फुल लिस्टेड है। और आप देख सकते हैं इसके बैक पे ये 3 लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। इसमें इंग्लिश है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं फॉर डिफरेंट कंट्री। तो गाइस, हम ये लगा सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्री में भी सेल आउट होते हैं। और ये प्रोडक्ट अच्छा है, हम देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस अगर दिख रहा है। हाँ, स्पेसिफिकेशन है, इमेज सेंसर 12 मेगापिक्सल सोनी का है सेंसर है, और लेंस ऑफ 170 ए प्लस HD वाइड एंगल लेंस है। रिजोल्यूशन आप देख सकते हैं इसका 12853 मेगापिक्सल तक है। वीडियो एंड 4K में शूट करता है, और 1080p में भी शूट करता है। इतने इसके FPS है, 20, 60, 30 FPS। फॉर्मेट इसका इमेज है JPEG और वीडियो MP4 में। बैटरी 1200 mAh है, और ये सपोर्ट करता है 128 GB माइक्रो SD कार्ड। सो आप इसको देख सकते हैं, और टाइप ऑफ कनेक्शन है ये वाईफाई टाइप सी, एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं। लेकिन गाइस, इसमें ये है कि आप SG कैम का ही लगाइए, क्योंकि SG कैम का ही इस पर मतलब रूट कर पाएगा, इससे मतलब कनेक्ट कर पाएगा। सो ये है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विंडो XP है, और मैक OS लगा सकते हैं। सो गाइस, चलिए हम अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये कवर है, ये कुछ ऐसा दिखेगा गाइस। सो इसको देखें, ये इसका कवर है प्लास्टिक वाला, और कैमरा कुछ ऐसा दिखता है। सो अभी मैं इसको स्टार्ट करके भी बताऊंगा गाइस। सो अभी पहले और देख लेते हैं और क्या एक्सेसरीज है। थोड़ा साइड में रखेंगे, ये है गाइस इसके साथ एसेसरीज। ये जिनके पास साइकिल है, जो साइकिल यूज़ करते हैं, सो वो वहाँ माउंट कर सकते हैं। ये इसके लिए
ये गाइस एक जे माउंट के लिए एक है, वो जे माउंट उसके लिए। ये कुछ स्टिकर्स हैं गाइस, और ये हेलमेट के लिए है, ये सही है। ये गाइस इसमें ये है कि ये कर्व जैसे होता है ना, कर्व जो मतलब किसी किसी के कर्व हेलमेट होते हैं तो आप वहाँ लगा सकते हैं। और ये लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट वाला भी मतलब अटैच्ड है, तो ये आप कर्व हेलमेट पे लगा सकते हैं और आप स्ट्रेट व्यू के लिए मतलब यहाँ पे ऐसे स्लाइड कर सकते हैं ये उसके लिए। ये भी गाइस एक जे माउंट के लिए एक्स्ट्रा है। और ये भी गाइस साइकिलों के लिए या ट्राइपॉड्स के लिए है, ये भी एक्स्ट्रा वाला है। एस जी कैम एक्स्ट्रा बहुत देते हैं, बल्कि गोप्रो में उतना नहीं होता। ये एक आपका एक्स्ट्रा कवर है, अगर बाई चांस आपका वो ख़राब हो जाता है, वाटरप्रूफ केसिंग है। ये क्लोथ्स है यू साफ़ करने के लिए, सही है ये, मतलब बेस्ट है। और ये बुकलेट है, ये इसमें आपको गाइडल्स मेन्यू सब दिया हुआ है, ये मतलब कैसे इसको चलाते हैं, ये क्लोथ है। और ये गाइस इसके ऊपर वाले में भी है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये चार्जर केबल दिया हुआ है, यूएसबी चार्जिंग है। ये एक्स्ट्रा आपको स्लाइडिंग वाला दिया हुआ है, ये वही उसी का दूसरा पार्ट है जो अभी दिखाया आपको कवर वाला। ये दो कवर्स है, एक स्ट्रेट है, एक कर्व वाला है। और ये कैमरा कैप है, मतलब आप कैप कैमरे के उस पे लेंस पे लगा सकते हैं ये उसके लिए। बस, और ये भी है, ये गाइस एस जे कैम का स्टिकर है, अगर आप चाहें तो एस जे कैम कैमरे पे या कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये उन्होंने स्टिकर अप्लाई किया है एस जे कैम का। ये थे कुछ स्पेसिफिकेशंस अनबॉक्सिंग। अब देखते हैं कैमरा कैसे फंक्शन करता है। ये है गाइस मेन कैमरा, मेन प्रोडक्ट। ये कुछ ऐसा दिखता है, कुछ शार्प एजेस हैं इसके, और ये अच्छा कैमरा है, गोप्रो से थोड़ा सा बेटर एंड चीप रेट पे बढ़िया कैमरा है। इसको ऑन करते हैं। ये कुछ साउंड ऐसा करेगा। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये ऐसे है, अच्छा काम करता है। और ये टच स्क्रीन है, तो अभी तो ये 4K पे है, 30 FPS। तो हम जैसे अभी ये दबाते हैं तो यहाँ पे हम मेन्यू में आ जाएंगे, तो ये सब इसके रिजोल्यूशंस हैं। मतलब आप 1080p पे भी चला सकते हैं। ये गाइस स्लो मोशन के लिए है, 20 FPS, फिर 60 FPS एक रीजनल वीडियो है तो उस पे आप ये 4K अल्ट्रा 20 FPS इसको आप चेंज कर सकते हैं 30 FPS पे। तो ये रेजोल्यूशंस है, और ये आप ऐसे मतलब ऐसे जब स्लाइड करेंगे तो ये फ़ोटो मोड पे आ जाएगा, तो ये आप फ़ोटो कर सकते हैं ऐसे, और ये ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये वीडियो पे आ जाएगा। तो कुछ इसके सेटिंग्स पे जाते हैं, ये इसमें देख सकते हैं आप लैंग्वेज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस दिए हैं तो इंग्लिश पे ही करते हैं। और ये वाईफाई बिल्ट इन है, मतलब आप एक एस जे कैम का ऐप आता है गाइस, तो आप उसको प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वाईफाई ऑन करके अपने मोबाइल का कनेक्ट कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए आप कहीं हिडन, मतलब इसको कहीं लगाते हैं एज ए हिडन कैमरा, सो आप मोबाइल पे वही लाइव देख सकते हैं। तो ये ऑफ ही है, ये वाईफाई फ्रिक्वेंसी है। फॉर्मेट यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं ऑल द
डाटाज एंड फोटोज़ वीडियोस, ऑटो पावर ऑफ मैंने ऑफ ही किया है, एलईडी ऑफ टाइम मतलब एलईडी स्क्रीन्स की, फॉर्मेट फॉन्ट डिस्प्ले अब डिस्प्ले में भी ऑन कर सकते हैं मतलब इंडिकेशन देगा, इंडिकेटर लाइट्स ये है, कीपैड टोन मतलब जब आप कुछ दबा रहे हैं तो वो टोन करे, रोटेट फंक्शन, ब्राइटनेस को, कलर टेम्परेचर, एक्सटर्नल माइक्रोफोन ऑफ है क्योंकि अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डेट टाइम, गिम्बल, गिम्बल भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, एसजे कैम का गिम्बल भी आता है, डाटा फॉल फ्रिक्वेंसी, डिस्प्ले आईसो, आईसो भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये यूज़र इंटरफेस है, क्लासिक वर्जन आप देख सकते हैं, सो ये सब है, और ये आपका कुछ और सेटिंग इसमें ईवी आप देख सकते हैं, वाइट बैलेंस मतलब उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पावर ऑन रिकॉर्ड ऑफ तो ये आप देख सकते हैं, और कलर प्रोफाइल ये आप देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मीटरिंग मोड ये आप देखते हैं, और ज़ायरो स्टेबलाइज़र ऑन है, और ये गाइस आप देख सकते हैं जैसे ज़ायरो फोकस जो ज़ायरो मोड है वो डज़ नॉट सपोर्ट H260 आपको दिख नहीं रहा, 4K 30 25 मतलब आप जब वो 4K ऑप्शन है उस पर सेट करेंगे तो इन सब ऑप्शन पे वो नहीं सपोर्ट कर पाएगा, ये अभी मैंने इस पर मतलब 1080p पे सेट किया है तभी वो सपोर्ट करेगा, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं इसके SJ Cam 8 Pro के, इनकोडिंग्स, वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ चेंज मैक्सिमम 10-12 तक है, वॉल्यूम आप देख सकते हैं, शार्पनेस आप डिसाइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड हो, डिटोनेशन करेक्शन आप देख सकते हैं, और लूप रिकॉर्डिंग, फाइल साइज, वीडियो क्वालिटी, आईसो सेट कर सकते हैं, ऑडी ऑन ऑफ कर, टाइम स्नैप्स ये देख सकते हैं, और ये आप ऊपर देख सकते हैं इसमें बैटरी लाइफ ये भी बताता है, और फोकस हाँ तो आप ये सब देख सकते हैं, और नीचे आप इसको स्लाइड करें तो आप डायरेक्ट जैसे मोबाइल में होता है आप वैसे पहुंच सकते हैं, ये लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, ये वाईफाई का ऑप्शन है, ये FPV का ऑप्शन है, ये रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, और इसके हम जब आगे देखें तो ऐसे रेड लाइट मतलब जलेंगे, सेंसर होगा, और इसके आगे आप मतलब ये बहुत यूज़फुल छोटा सा एक स्क्रीन है, बहुत यूज़फुल है, इसमें आप जब आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप सामने से मिरर पे देख सकते हैं कि कितना रिकॉर्डिंग हुआ है, कितने मतलब किस फॉर्मेट पे है, टाइमिंग भी बताता है, कितने GB बैटरी डाटा, और ये है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्जिंग पोर्ट है, ये चार्जिंग पोर्ट है, ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, ये आप देख सकते हैं नीचे ट्राईपॉड के लिए दिया है, और ये है, सो अभी मैं इसकी आपको पिक्चर क्वालिटी दिखाऊंगा, और अभी और उसके बाद मैं आपको एक मेरा पुराना कैमरा है जो मैं व्लॉगिंग इससे पहले जो वीडियो बनाता था उस पर मैंने मतलब व्लॉग किया है तो उसका मैं इसके साथ कंपेयर बताऊंगा, और आप देख लीजिए वो सोनी साइबर शॉट का है, बहुत पुराना कैमरा है तो कंपेयर मैं उसको बताऊंगा, आप देख लीजिएगा कैसा है, सो अभी और ये गाइस ये एक और फंक्शन है इसका, जैसे आप ये पावर बटन थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे तो ये आपको ये तो ऑफ हो गया सॉरी, ये आपको जैसे अभी मेमोरी कार्ड नहीं लगा है तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे स्विच करिए तो आपको एक ये दूसरे मेन्यू में ले जाएगा जिसमें आप वीडियो लैब्स, स्लो मोशंस, फोटो लैब्स, बर्स्ट फोटो, कार मोड, वीडियो प्लस फोटो आप शूट कर, कार मोड जैसे डैश कैम पे आप रख के आप उसको शूट कर सकते हैं, तो ये और एक फंक्शन है आप देख सकते हैं, सो ये सब फंक्शन है, और
ये भी एक फंक्शन है, ये आपको मोड चूज़ करता है बाय मैनू। अगर आपको भूल जाते हैं, अगर आपको इंटरफेस करने में नहीं उतना होता है, तो आप ये देख सकते हैं, वीडियो पे दबाएंगे वीडियो आ जाएगा, फ़ोटो पे दबाएंगे फ़ोटो आ जाएगा। जैसे अभी फ़ोटो दबाए, ओ ये डायरेक्ट आपको फाइल मिल जाएगा, फाइल फोल्डर में, सॉरी, ये आपको फाइल फोल्डर में ले जाएगा, तो आप देख सकते हैं। सो अभी मैं इसका वो आपको बताऊंगा कैसे इसकी पिक्चर क्वालिटी है, तो देखते जाइए। A few moments later. यो गाइस, आप ये देख सकते हैं कैसा है, बिल्ट इन माइक है इसका, और आप देख सकते हैं कैसी पिक्चर क्वालिटी है, क्या है। गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा पुराना कैमरा है, पुराना है, सोनी साइबर शॉट। मैं अपनी पिछले वाले वीडियो में इसी से यूज़ करता था। एज कंपेयर आप देख सकते हैं कैसी इसकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी है। तो यो गाइस, यही था वीडियो में, और मैंने आपको वीडियो में बताया कंपैरिजन ऑफ एसजे कैम एंड सोनी साइबर शॉट, जो मेरा पुराना कैमरा था, जो इससे पहले वीडियो में मैंने उसके साथ वीडियो बनाया था। सो यही था इस वीडियो में, और देखते जाइए, और आगे आगे न्यू न्यू वीडियो आते रहेंगे, और आपका एंटरटेनमेंट होता जाएगा। सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और लाइक शेयर, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से फिर मेरे मतलब मैं और वीडियो बनाने में मोटिवेट होता रहूँगा। सो गाइस, उसको सपोर्ट कीजिए, और यही मैं लास्ट में बोलूँगा कि आगे देखते जाइए, और न्यू न्यू वीडियो आएंगे, और ऐसे वीडियो आएंगे आप पसंद करेंगे उसको। So subscribe the channel, like to my channel and share the video. Bye.